बॉम्बे में एक मलाड एक वेस्टर्न सबर्ब है, वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा जो एजुकेशन है वो यहाँ के जे स्कूल से हुआ हुआ है, जहाँ मेरा MBBS जो पहले की जो मेडिकल स्कूलिंग जो बोलते हैं वो यहाँ पे हुई हुई है। उसके बाद बड़ोड़ा से मेरा मास्टर्स इन जनरल सर्जरी हुआ हुआ है बड़ोड़ा मेडिकल कॉलेज से। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा यहाँ पे जसलोक में काम किया, जो एक यहाँ की कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। और फिर मेदांता गुड़गांव में मेरी पढ़ाई हुई है प्लास्टिक सर्जरी एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के ऊपर। जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तभी हम काफ़ी सारे जेंडर डिस्फोरिया के केसेस को एड्रेस करते थे। मेरे सर थे, उन्होंने काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स की ट्रीटमेंट की हुई है और मेरा इंटरेस्ट वहाँ से फिर थोड़ा बढ़ता गया ये रिकंस्ट्रक्शन की तरफ। जब मैं वापस बॉम्बे आया 2018 में, और तब से लेके आज तक हमने काफ़ी सारे PPV या पेरिटोनियल पोल्स वजनोप्लास्टी की सर्जरीज या तो ऑपरेशंस किए हुए हैं। एंड मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन डेफिनेटली करता हूँ। मेरा 30% ऑफ जो मेरे पेशेंट्स आई वुड से वो मेरे दूसरे कंट्री से आते हैं, तो उन लोग के साथ तो जो भी कंसल्टेशन है वो ऑनलाइन ही एक जरिया है कंसल्टेशन करने का। एंड जो दूसरे सिटी से भी आते हैं जिनको ये सर्जरी करवानी है, कि इसके अलावा जेंडर और ट्रांजिशन की कोई भी सर्जरी करवानी है, वो सारे कंसल्टेशन हम ऑनलाइन ही करते हैं। मेरी फीस 1000 रुपीज से लेके 1500 रुपीज तक वेरी करती है, डिपेंडिंग ऑन सम फैक्टर्स, बट क्योंकि कितना टाइम कंज्यूम होता है और उसके ऊपर डिपेंड करता है मेनली। बट जितना जेंडर डिस्फोरिया के पेशेंट्स के बारे में मेरी जितनी जानकारी और हम जितना है, आई थिंक 1000 रुपीज हम चार्ज करते हैं विद ऑल द पॉसिबल फैसिलिटीज वैसे करते हैं।